नमस्कार छात्रों, कैसे हो? आज मैं आपको ऐसा सवाल बताने वाला हूँ कि ये सवाल आपके परीक्षा में 7 बार पूछा गया है। 7 बार मैंने यहाँ लिख दिया है कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे ईयर लिखूँगा, वर्ष लिखूँगा, तो मेरे सैंपल पर जगह की कमी हो जाएगी और इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने ये लिखा है। दूसरी बात कि ये सवाल अपने आप में इतना खूबसूरत है कि मैं उम्मीद करता हूँ या ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि बाबू हमारे छात्रों को या यूपी बोर्ड या अन्य सभी बोर्ड के छात्रों को इसी तरीके का आसान सवाल, दमदार सवाल, एकदम लाइन बाई लाइन स्टेप पर चलने वाला सवाल एग्जामिनेशन में दें, ताकि बच्चे इसको सीख करके अच्छे से सॉल्व करें और अच्छा अच्छा नंबर उठाए। तो इसको करने के लिए मैं अगर इस वीडियो को रोक दूँ, आप रोक दीजिए और अपने से सॉल्व कीजिए। अगर आपका अपने से सॉल्व हो जाता है तो आप ये समझिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप ये समझिएगा कि आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। समझे? तो पढ़ना कैसे है, मोबाइल से कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो लोग लाइव क्लास पढ़ते हैं, लेटे रहते हैं, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, अगल बगल भी देखते रहते हैं। तो इस तरीके के पढ़ने वाले लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। पढ़ाई मनोरंजन नहीं है, पढ़ाई आपके जीवन का हिस्सा है, ये आपके लाइफ में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसको समझा रहा हूँ। एक बात, मैं थोड़ी सा आपका समय लूँगा, थोड़ा सा, बहुत ही आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। मैं गया था वैष्णो देवी, वापस आ रहा था, तो एक बंदा ऐसा था जो बहुत बड़े बड़े बाल रखा था, मैले कुचैले कपड़े पहना था, अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लिया हुआ था। वो श्रीनगर से कमा करके घर लौट रहा था, बिहार की तरफ जा रहा था। तो उसके पास टिकट था, सॉरी समझिएगा, उसके पास क्या था, टिकट था, ऑनलाइन टिकट किसी से कटवाया था, उसका PDF फाइल मोबाइल के अंदर लिया था, और मैं भी टिकट काट करके उसका PDF फाइल मोबाइल के अंदर लिया था, और बाकी जितने भी लोग उस डब्बे में बैठे थे, लगभग आधे से अधिक लोग ऑनलाइन टिकट कटवा के उसका PDF फाइल मोबाइल में रखे थे। आजकल प्रिंट करा के कागज़ वाला टिकट लेकर लोग कम घूमते हैं, लेकिन वो ऐसा मेला कुचैला था और लग रहा था कि वो चोर टाइप का है, और वास्तव में वो पढ़ा लिखा नहीं था, 2-4 तक पढ़ा होगा। कमा के वापस जा रहा था तो TT आया, टिकट चेक करने वाला। सब लोगों ने सबको चेक किया, सब लोगों ने अपना मोबाइल खोला, PDF फाइल को जूम किया, जूम करके दिखाया, तो देख लिया, हाँ इतना इतना है। उसका जब चेक करने की बारी आई तो वो मोबाइल बड़ी देर से अपने जेब में से निकाला, क्योंकि हल्के फुल्का उसको नहीं डाल रही थी। तो TT को आ गया थोड़ा सा गुस्सा कि ये मेरा टाइम ख़राब कर रहा है, तो वो भी मोबाइल से निकाल के दिखा रहा। तो TT बोला, मोबाइल वाला नहीं देखना, मुझे ओरिजिनल देखना, हार्ड कॉपी देखना, मतलब प्रिंटेड टिकट देखना है, या तो रेलवे काउंटर का, या तो प्रिंटेड इंटरनेट वाला हो लेकिन प्रिंट हो हाथ में, वो मुझे देखना। तो कह रहा वो नहीं है। अब वो नींद में था, और अगर वो नींद में नहीं रहा होता तो उसने देखा होता ना कि बाकी लोग PDF फाइल दिखा रहे हैं मोबाइल में, और मेरा ये टिकट मांग रहा कि नहीं हाथ में टिकट दो, प्रिंट वाला दो। तो वहाँ पर क्या बात है, मैं आपको समझा कि ये बात क्यों बता रहा हूँ, टाइम ख़राब क्यों कर रहा हूँ आपका, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो डरा हुआ था कि क्या रूल है, क्या नहीं है, क्या तर्क देना चाहिए, क्या तर्क नहीं देना चाहिए, वो उसको बोलने में बार बार डर लग रहा था। तो वो चुपचाप रहा, टिकट लेने वाला, चेक करने वाला TT उसे बार बार कहता रहा दिखाओ, कहता नहीं यही है मेरे पास, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहते हुए उसे 2500 रुपये फाइन लिया। 2500 रुपये उसको देना पड़ा। सिर्फ वो लड़का इतना सा तर्क नहीं दे पाया कि आजकल इंटरनेट वाला टिकट मोबाइल में लेकर लोग चलते हैं, यही दिखाते हैं, और इस बोगी के सभी लोग, इस डब्बे के सभी लोग भी वही दिखाए हैं, या इसके पहले 10-20 TT आए थे, उन लोगों ने मोबाइल वाला टिकट देखा और वो लोग चले गए, और आप कौन सा नियम पढ़ के आए हो, आप कौन सा TT हो जो मोबाइल वाला नहीं मान रहे हो। इतना सा वो लड़का तर्क नहीं दिया, इस वजह से उसको 2500 देना पड़ा, ठीक है। मैं सवाल समझाता हूँ, सवाल में क्या होता है, तर्क वितर्क होता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, वैसे नहीं वैसे कर सकते हैं। तो ठीक, ये तर्क वहाँ भी काम आता कि जब आप के आने से पहले, उस TT के आने से पहले कई TT मोबाइल वाला PDF फाइल देख कर चेक करके सेटिस्फाई होकर चले गए, वो लोग फाइल नहीं लिए, तो तुम क्यों ले रहे हो, तुम कौन से रेलवे डिपार्टमेंट के हो, तुमको कौन सी ट्रेनिंग दी गई है, वो 7 और 6 जो चेक करके गए मोबाइल वाला PDF देख करके, वो भी तो TT थे,
उनके लिए भी तो नियम था, तुम क्यों मांग रहे हो मुझसे हार्ड कॉपी। बस इतनी सी बात वो बंदा कहा नहीं, वो बंदा तर्क वितर्क नहीं किया, इस वजह से उसको लॉस सहना पड़ा। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ नौकरी पाओगे, एजुकेशन का मतलब होता है कि आप किसी बात के लिए पॉइंट टू पॉइंट तर्क वितर्क करोगे तो अपने लाइफ में भी उसका फ़ायदा पाओगे। जिस तरीके से उस लड़के ने तर्क वितर्क नहीं किया, वो एक पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से उसको अपना नुकसान झेलना पड़ा। तो आपको भी मैथ वगैरह पढ़ाया जाता है तो आपका दिमाग ब्रॉड हो, बड़ा हो, और आपको भी तर्क वितर्क करने की क्षमता डेवलप हो। तो समय तो लिया मैंने, लेकिन किसी को ये बात अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिखेगा, किसी को बुरा लगा होगा तो वो भी कमेंट में लिखेगा। मैं आगे से इस तरीके की कहानी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने सवाल पर। कहता है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी बराबर सिद्ध करो। टू बी 7 बार पूछा गया, ध्यान से देखना, ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहले हम बाया पक्ष ए और बी लगाते हैं, ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट लिख दो, 200002 इंटू बी का सारा ले लो, फटाफट फटाफट लो, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या बताया था, राम की बानरी सेना रावण की राक्षसी सेना को मार गिराएगी, लेकिन शर्त यह है कि राम की सिर्फ एक सेना रावण की 3 सेना को मारेगी। बस ये बात याद रखना, ये राम की सेना, ये रावण की है। अब इसकी एक सेना यानी एक लाइन इसकी तीनों लाइनों को मारेगी, यानी दो पहला वाला पहले वाले को, बीच वाला बीच वाले को, लास्ट वाला लास्ट वाले को। एक बार हुआ, फिर यही लाइन इसमें भी आएगा, फिर यही लाइन इसमें भी आएगा, ये एक्स वन यहाँ रहेगा वन। देखो भाई, 2 का x1 = 2x1 + 0 का इसमें करेंगे 0 + 0 का इसमें करेंगे 0। थोड़ा जगह छोड़ के अब इसमें आ जाओ, 2y1 + 0 + 0। अब इसका इसमें करो गुड़ा, 2z1 + 0 + 0। क्यों? क्योंकि 2 बार 0 होती है, दोनों 0 ही होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका गुड़ा करेंगे तो 0 का x1 = 0 + 2x2 + 0, 0 + 2y2 + 0, 0 + 2z2 + 0, ऐसे होगा। स्टाइल है, तुम करके देख लेना। इसका इसमें करो 0 0 2x3 0 0 2y3 0 0 2z3, ठीक है। अब क्या होगा मेरे हीरो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2x1 आएगा, इन तीनों जोड़ेंगे 2y1, इन तीनों जोड़ेंगे 2z1, इन तीनों का 2x2 2y2 2z2 2x3 2y3 2z3, ठीक है। ये आगे आपका ए और बी का गुणा। अब मुझे 2b का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का निकल गया यहाँ पर, अब 2b निकालते हैं। देखो इधर देखो, 2b के सारे वैल्यू लिख दो, यहाँ पे है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस तरीके का कंडीशन हो कि बाहर 2 हो और अंदर उसका क्या करना है गुड़ा, तो बाहर मेहमान है और अंदर ये क्या है, मकान है। बाहर मेहमान है और ये दोनों जो बाउंड्री है यह एक मकान है। तो जब कोई मेहमान मकान के अंदर जाएगा तो मकान के अंदर के सभी सदस्यों के साथ नमस्ते 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 होगा। आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो घर के अंदर जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सबके साथ नमस्ते होता है ना, ठीक उसी तरीके से ये जो बाहर का 2 है, अंदर 9 लोग हैं ना, 9 के साथ नमस्ते होगा। नमस्ते का मतलब गुड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए गुड़ा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 का x1 2 x2 2 x3 गुड़ा हो गया, गुड़ा हो गया, गुड़ा हो गया, गुड़ा हो गया भाई। देखो ना, z1 z2 z3। अब आप जरा इसकी शक्ल देखो,
दोनों सेम सेम है कि नहीं है। देखो भाई मैं किनारे हो जाता हूँ, ये वाला देखना, टू बी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू दोनों सेम आया कि नहीं आया है। मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ, देख लो। चलो दिख गया ना। हाँ, ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू ये है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू टू बी। लास्ट में लिख देना ए बी बराबर टू बी, सिद्ध हो गया। 7 बार एग्जाम में आया था, मैं चाहता हूँ कि इस बार भी आ जाए। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और मेरा क्लास ज्वाइन करने वाले बच्चों से मैं कहता हूँ कि भाई अब फ़ोन रिसीव होगा 10 बजे से 4 बजे के बीच में करोगे तो गारंटी है रिसीव होगा। और ये नंबर मैं दे देता हूँ, 75 25 81 80 38। चलो स्क्रीन पे देख लेना, हाँ 75 25 81 80 38। थैंक यू।